कर लें मैं आप लोगों के सहयोग से अपने आईएमडी श्री रफीक सर जी को ससम्मान स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हेल्प मी टू वेलकम दाल इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर रफीक सर वीडियो वीडियो प्लीज वीडियो प्लीज स्पेशल वेलकम कर रहे महाराष्ट्र परों को खोल देव कसोटी वक्त की है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डी एक्न और एक बार मुंबई वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस एंड वन ऑफ द एनर्जेटिक क्राउड जो महाराष्ट्र में है ऐसा क्राउड में इंडिया में हर स्टेट में सफर किया हूं बट आप जैसे प्यारे लोग कहीं नहीं मिले या बिग राउंड ऑफ ऑप्लास फॉर एवरीबडी फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन So, first thing first, let me uh, acknowledge the presence of the Crown Ambassador Santosh Devkarji, our wife, or Provinji RTG, or ji, Swati Jika. And uh, I also acknowledge, thank you very much uh, for Mr. Yogi Vasupal and uh, Madam Rupal Unkeliev. Because, in your know, diya presentation is ye jo hai, Tamil Nadu. Ka mitti hai. Okay. <laughs> so wonderful. So, thank you, Professor, for giving a good product. जैसे डीएक्सन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं प्रोफेसर भी अच्छा प्रोडक्ट दिया है हमें तो प्रोफेसर के लिए एक ताली हो जाए और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हमें देने के लिए जो डीएक्सन को उन्होंने दिया है so nice, हर एक जवान के लिए जो स्टार्टअप करके गिर के फिर कैसा उठा सो इट्स ओपनिंग स्टोरी सो थैंक यू योगी जी फॉर योर वंडरफुल इंस्पिरेशनल जो आपने शेयरिंग किया है एंड रूपल मैडम थैंक यू वेरी मच आपने जो नारी शक्ति के बारे में बोला मैं सोच रहा हूं अभी मैं नारा शक्ति के बारे में क्या बोलू अब इतना नारी को उतना किया बेचारा नारा किधर भी नहीं रहा सो so, नारी जैसे है नारा भी वैसे ही है सो माय डियर फ्रेंड्स थर्टी एनिवर्सरी डी एक्सन ए साल तीस साल कंप्लीट किया जब शुरू हुआ था इन द ईयर 1993 एक छोटा सा एक ग्राम से जो स्टार एक ग्राम था अभी भी मलेशिया में वो सिटी नहीं माना जाता है एक एक छोटा सा विलेज है वहां से जो शुरू हुआ था आज पूरा दुनिया में फैला हुआ है आज डी एक्शन थर्टी ईयर्स ये जो तीस साल इट्स नॉट ओनली ए सेलिब्रेशन तीस साल हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है ये तीस साल में डीएक्शन ज ग्रोन इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये जो सफर था तीस साल का डीएक्सन का इसमें सीखना बहुत कुछ है हमारे लिए ये तीस साल में दुनिया में जितना मुश्किल है ये सारी मुश्किल तीस साल में डीएक्सन ने देख लिया हर एक कंट्रीज में हर एक प्रॉब्लम डीएक्सन को झेल लिया लीगल प्रॉब्लम बोलो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम बोलो जितना भी है सारी चीज डीएक्शन बट हर एक प्रॉब्लम डॉक्टर लिम का कमाल यहां पे है हर एक प्रॉब्लम डीएक्शन को थोड़ा नहीं हर एक प्रॉब्लम डीएक्शन को मजबूत बनाता चला गया so, जब भी प्रॉब्लम आता है जब डीएक्शन मजबूत बनता है हर सीईओ डीएक्शन का बड़े बड़े कंपनी का सीईओ कहते हैं प्रॉब्लम से बचकर रहो बट डॉक्टर लिम बोलते हैं प्रॉब्लम कहां है बिकॉज उनको पता है जब भी प्रॉब्लम आता है तब डीएक्शन मजबूत होता है जब करोना आया सारी कंपनी डर रहे थे बट जितना ग्रोथ इतना सालों से नहीं किया कोरोना का बाद डीएक्शन ने किया है तो वो मुश्किल घड़ी डीएक्शन को इतना मजबूत बनाया है सो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगा क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा रोना आएगा या डरोना आएगा बट जितना भी आएगा डीएक्शन इतना मजबूत हो गया है कोई भी प्रॉब्लम अभी डीएक्शन को हिला नहीं सकता है डीएक्शन इतना इम्यून हो चुका है सो इट कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स जो तीस साल का जो एनिवर्सरी था यू शुड सी पहले हम डीएक्शन में जा रहे थे पहले हम टेंथ एनिवर्सरी गए थे फिफ्टीन एनिवर्सरी गए थे कुछ मलेशियन लोग थे कुछ फिलीपींस लोग थे अब ये थर्टी एनिवर्सरी में मैं गया तब मैं देखा दुनिया में कितने रकम के लोग होते इतने ऊंचे लोग भी हैं, इतने काटे लोग भी हैं, इतने काले भी हैं, इतने गोरे भी हैं, कितना लैंग्वेज है कितने तरह के खाना है ये सारी चीज ये थर्टी एनिवर्सरी में हमें पता चला ये कंट्री और एक कंट्री का साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है जो पेरू जो चिल्लाता है वो इंडियन नहीं समझता है जो इंडियन चिल्लाता है वो बेलुविया नहीं समझता है बट डीएक्शन का एक भाषा रहता है लीडर खुद पे खुद बात कर लेते हैं मॉर्निंग सारी दुनिया में एक ही है वो डीएक्शन का है Because suddenly मैंने, मैं प्रवीण जी एक बार देखा हम टीएसए कर रहे थे प्रवीण जी गायब थे कहा है आरती मैडम बैठे थे संतोष देखे ग्रुप में थे प्रवीण जी नहीं थे कहा थे वो वहां पे पूरा गोरी चिट्ठी है और प्रवीण जी बीच में है और बात करने के बाद आ गया मैंने प्रवीण जी से बोला सर क्या बात हुआ था बिजनेस के बारे में क्या हुआ था वो बोल रहे सर वो लोग क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आया और मैं जो बोल रहा हूं उनको भी समझ में नहीं, नहीं आया बट मुझे देखकर वो खुश थे उनको देखकर मैं खुश था सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चल रहा था ये जो भाषा था यू शुड सी ये रियली हुआ था आरती मैडम से पूछो आरती मैडम बेचारी वेट कर रही थी ये आएगा या फिर चला जाएगा ब्यूटीफुल कल्चरल इतना कल्चरल डिफरेंस था फिर भी लोग एक साथ थे ये जो ताकत था डीएक्सन का जो थर्टी एनिवर्सरी में आप देख रहे थे कितने कंपनी है दुनिया में तीस साल थर्टी एनिवर्सरी कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जा रहा था अगर आप पांच साल जिंदा रह गए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पांच साल जिंदा रह गया वो एक अच्छा कंपनी है अगर वो दस साल जिंदा रह गया वो एक स्ट्रांग कंपनी है अगर बीस साल कोई कंपनी चल गया वो दुनिया का बेहतरीन कंपनी होगा और डी अभी थर्टी इयर्स है ये थर्टी इयर्स का मतलब ये खुद पे खुद चलने वाला कंपनी है हम रहेंगे एक सौ साल का बाद यहां पे एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा सही है ना एक सौ साल का बाद एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा बट ये मंच रहेगा और ये डीएक्शन रहेगा ये जगह में हम नहीं रहेंगे आपका बेटा रहेगा पोता रहेगा पोत्री रहेगा मेरा भी बेटा आईएमडी बनकर खड़ेगा वो भी गवा देगा मेरा बाप ने बोला ताकत है डीएक्शन का माय डियर फ्रेंड्स ये थर्टी या तीस साल इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम फ्रेम फॉर एनी कंपनी यू नो व्हाई डीएक्शन है सर्वाइव होने का पीछे क्या कारण था और डीएक्शन और आगे जाएगा इसका क्या सबूत है द ओनली थिंग विच में डीएक्शन द मोस्ट पावरफुल कंपनी इज डीएक्शन इज द रियल कंपनी डीएक्सन एक सही कंपनी है डीएक्सन एक असली कंपनी है यू रिमेंबर दिस बिकॉज मेरी जर्नी में ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स नेटवर्क मार्केटिंग का मेरी जर्नी में आई हैव सीन मेनी कंपनी जो डीएक्सन अभी जो सेल कर रहा है उससे तीन गुना ज्यादा सेल का कंपनी में भी मैंने देखा तीन साल में इतना ऊंचाई में गया बट पांच साल का बाद कंपनी नहीं था इतने कंपनी हमने देखे थे लोग मेरे से बोल रहे थे सर दूसरे कंपनी वाले जब डीएक्शन आ रहे थे वो लोग बोल रहे थे सर हमने कंपनी को नहीं छोड़ा बट कंपनी ने हमको छोड़ दिया है बिकॉज डिएक्शन मैजिक में कभी भी डिपेंड नहीं करेगा बड़े बड़े कंपनी रहते हैं मैजिक देखने में अच्छा रहता है यू अग्री मैजिक देखने में अच्छा रहता है और कलरफुल रहता है बट असली में वो टिकता नहीं है और डी एक्शन कभी भी मैजिक बताता नहीं है डीएक्शन जो भी बोलता है वो सही है वो असली है अभी रूपल जी आए थे योगी जी वो सही थे उनका वेट लॉस जानी वो सही था उनका स्टार्टअप कंपनी सही था उनका मुश्किल सही था और उनका सक्सेस भी सही है बिकॉज द रियल कंपनी ये जो मैजिक कंपनीज है इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता नहीं आपका लाइफ में आप कौन सा कौन सा डिसीजन अच्छा लिया शायद दो डिसीजन आपने एक डिसीजन अच्छा ले लिया आप वाइफ से शादी करके एक डिसीजन अच्छा हुआ और सेकेंड जो डिसीजन आपने जो लिया है वो है डीएक्सएन ज्वाइन कर एक बेहतरीन डिसीशन आपने ले लिया अभी पता नहीं आपका लाइफ डिएक्शन में कितना चेंज हुआ आई डोंट नो मे बी आप सक्सेसफुल हो सक्सेसफुल नहीं हो ये भी मुझे पता नहीं है बट आप जो रस्ते से जा रहे हो ना वो रास्ता सही रास्ता है ये मुझे पता है आज शायद वो रस्ते में आप दौड़ नहीं पा रहे हो आज वो शायद वो रास्ते में आप चल नहीं पा रहे हो वो जो रास्ता आपको मिल गया है वो रास्ता को कभी भी छोड़ो मत दुनिया इधर से उधर हो जाए ये जो डीएक्शन का जो रास्ता है इसे कभी भी छोड़ना मत आपका लाइफ में बिकॉज ये आपके लिए क्या करेगा आपको पता नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज दी पावरफुल मैसेज वॉट द थर्टी एथ एनिवर्सरी हैज गिवन टू अस माइ डियर फ्रेंड्स डी एक्सन वाई इट इज ए रियल कंपनी बिकॉज रियल थॉट डीएक्सएन का पीचर जो रियल थॉट था डीएक्सन का जो विशन था हेल्थ वेल्थ एंड हैपीनेस ये रियल था और डीएक्सएन रियल प्रोडक्ट है डीएक्सएन का साथ रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे पता हो, दुनिया में कितने कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो खुद का फैक्ट्री को लोगों को लेकर जाकर बताता है यह कंपनी भी आज तक मैंने नहीं देखा डीएक्शन दिखाता है बिकॉज डीएक्शन इस रियल कंपनी वो छोटा भी फैक्ट्री हो पाण्डिचेरी इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं है बट पांडिचेरी को भी लेकर जाकर दिखाता है ये देखो हमारा फैक्ट्री सिद्धिपेट इतना बड़ा फैक्ट्री है सिद्धिपेट को भी दिखाता है मलेशिया दिखाता है चाइना दिखाता है सारी चीज दिखाता है बिकॉज डीएक्शन इसे रियल कंपनी कंपनील चैलेंजेस रियल परसिस्टेंस एंड रियल बिलीफ ये करा डीएक्शन को रियल कंपनी और वॉट मेक्स डीएक्सन रियल सिर्फ डीएक्शन आज इतना ऊंचाई में होने का एक ही कारण है डॉक्टर लिम का जिद है डॉक्टर लिम एक जगह पर वो जिद बनकर खड़े रह गए मैं जो करूंगा नहीं करूंगा बट दो चीज मैं डीएक्शन का साथ करता ही रहूंगा वो है प्रोडक्ट सप्लाई करना और टाइम पे बोनस देना ये जो कोर एक्टिविटी है ये जो कोर एक्टिविटी है डीएक्शन ने कभी भी नहीं छोड़ा आज तक एक भी बंदा नहीं बोल सकता है सर मैंने पी किया है मुझे बोनस नहीं आया है मैं जब ज्वाइन किया था अभी तो आपको ई वैलेट में ई पॉइंट में बोनस आता है पहले चेक होता था चेक में आपको बोनस जाता था मुझे मुझे आज भी याद है जब इंटरनेशनल बोनस लोगों को आता था कहीं ना कहीं यूएस में कोई ना कॉफी पी लिया और हमारा लीडर को यहां पे बोनस मिलता था तीन रुपए का बोनस मिलता था कितना का तीन रुपए का बोनस मिलता था बट डीएक्सन वो तीन रुपए के लिए पचास रुपए का डीडी उठाता था और सात रुपए का कोरियर में बेचता था यू सी द पावर ये जो जिद था डॉक्टर लिम का दो चीज आज डीएक्शन सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ इट्स कोर एक्टिविटी जो कंपनी का जो कोर एक्टिविटी है इसे कंपनी ने नहीं भूला कंपनी ने नहीं छोड़ा क्या कोर एक्टिविटी है प्रोडक्ट डी एक्सन वन ड्रैगन कंपनी रिमेंबर दिस जितना भी मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट है कंपनी खुद उगाता है कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करता है और कंपनी खुद मार्केट करता है इसीलिए कंपनी का जो क्वालिटी है वो प्राइस है कंपनी कंट्रोल कर सकता है दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज ए वन ड्रैगन कंपनी सारी चीज एक ही छत का नीचे होता है जो डीएक्सन का छत का नीचे होता है मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट्स एन वन ड्रैगन कंपनी प्रोडक्ट और सेकेंड जो चीज है कोर है जो डीएक्सन का जो ट्रम्प कार्ड बोलते हैं ना ये है डीएक्सन का ट्रम्प कार्ड बिकॉज कभी भी हम कॉम्पिटिटर्स के साथ बात करते हैं जब हम बोलते हैं मेरा पास अच्छा प्रोडक्ट है वो भी बोलता है मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है हम बोलते हैं मेरा, अच्छा है। है, मेरा पास मार्केटिंग प्लान अच्छा है तो हम भी बोलते हैं हमारे पास भी मार्केटिंग प्लान अच्छा है तो ये कार्ड हम डालने में सारी कंपनी डिफीट हो जाता है वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं भी नहीं है आज देखो प्रोफेसर कहां है तमिलनाडु में नीलांगरी बीच में नहीं है वो अभी दुबई में जुमेरा बीच में घूम रहे बीच को नहीं छोड़ा उन्होंने यहां भी बीच था वहां भी बीच है बट कंट्री डिफरेंट है यहां बोनस गया दुबई गया डी ने बोनस वहां पे देना शुरू कर दिया और वहां पे नाउ ही बिकम ए रेजिडेंट ऑफ दुबई अभी मैं प्रोफेसर को सिर्फ प्रोफेसर नहीं बोलता हूं उनको बोलता हूं शेख प्रोफेसर <laughs> वो आधा शेख बन गए अगर आप नेक्स्ट टाइम वो आएंगे वो पता चलेगा ये पगड़ी जैसा पगड़ी पहनकर आते सो दिस इज द पावर ऑफ डी बोनस दो चीज याद रखना कंपनी आज सक्सेसफुल है, है।, है और कल भी टिकेगा बिकॉज ये जो कोर एक्टिविटी है प्रोडक्ट को मैन्युफेक्चर करना और बोनस को सही टाइम में देना और वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट का साथ देना ये हमारा कोर एक्टिविटी है डीएक्सन आज सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ दिस कोर एक्टिविटी सो माय डियर फ्रेंड्स डीएक्सन इज रियल डीएक्सन एक सही कंपनी है और वी रियल हम सही है डीएक्सन का साथ वॉट अबाउट यू आर वी कंपेटेबल विथ डीएक्सन डीएक्सन का साथ हमारा जोड़ी अच्छा है या खराब है जब हमने साइन किया है मेंबरशिप डीएक्शन का साथ शादी हो गया है सही है ना शादी होने का बाद डीएक्न का में मेरा सफर कैसा है कुछ लोगों के लिए मीवा मिया भी खुश है बीवी भी खुश है डीएक्सन भी खुश है डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश है उनका लाइफ पक्का फेंटास्टिक चल रहा है बट कुछ लोग डीएक्सन का साथ शादी हो गया है कुछ लोग डीएक्शन का साथ खुश नहीं है और कुछ लोगों का साथ डीएक्शन खुश नहीं है ऐसे भी है ये जो रिलेशनशिप है डीएक्शन का साथ ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप को कैसा मजबूत बनाना मेड फॉर ईच अदर कैसा बनाना यह बनाने के लिए जैसा डीएक्शन करता है वैसे ही यह डिस्ट्रीब्यूटर को भी करना चाहिए जैसा डीएक्शन रियल है यह डिस्ट्रीब्यूटर को भी रियल होना चाहिए अगर डीएक्शन रियल है अगर डिस्ट्रीब्यूटर रियल नहीं रहा जितना भी वो डीएक्शन से प्यार कर ले वो गाड़ी बराबर नहीं जाएगा बिकॉज़ डीएक्शन को चाहिए कमिटमेंट वॉट यूनिट इज अ कमिटमेंट सिर्फ प्यार नहीं चाहिए हम छोटे में बोलते हैं ना तू इतना ब्यूटीफुल है डीएक्शन तुझे देखकर मन लग जाता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और बोलता है शादी कब करेगा शादी नहीं करूंगा बट प्यार करूंगा अगर कमिटमेंट नहीं है प्यार का क्या फायदा है वेन यू वॉन्ट टू बी कंपेटेबल डीएक्शन का साथ कंपेटेबल होना चाहते हो जो डीएक्शन उसका कोर एक्टिविटी जो उसका मेन एक्टिविटी में जैसा मजबूत है आपको भी आपका कोर एक्टिविटी में मजबूत होना पड़ेगा अगर यह बन जाएगा तो ये दो जोड़ी विल बी ए सक्सेसफुल जोड़ी समझ में आ रहा है डीएक्शन सक्सेस का पीछे एक ही कारण है वो कोर एक्टिविटी में स्ट्रांग है और रियल डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर का सक्सेस का पीछे एक ही कारण हो सकता है जब उसका कोर एक्टिविटी में वो मजबूत बन जाएगा यह छोड़कर जितना भी मैजिक कर लेगा ये उसे काम नहीं आएगा वो कोर एक्टिविटी हर एक मेंबर का जो कोर एक्टिविटी है आपका मिनिमम जो काम करना है डीएक्शन का साथ अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो वो मेंबर सक्सेस नहीं बन सकता है ये कोर एक्टिविटी क्या है जैसा डीएक्शन का कोर एक्टिविटी प्रोडक्ट देना बोनस देना ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारा जो कोर एक्टिविटी क्या है ये तीन एक्टिविटी हमारा कोर एक्टिविटी है नंबर वन रियल कंस्यूमर नंबर टू रियल डिस्ट्रीब्यूटर और नंबर थ्री रियल नेटवर्कर यह जो तीन कोर एक्टिविटी हमने बोल वी आर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री कोर एक्टिविटी ना वो थोड़ा बिजनेस के बारे में सोचेंगे एक बंदा मैंने से बोला सर अगर मैं तीन कोर एक्टिविटी सही कर रहा हूं क्या होगा इसका बेनिफिट क्या आएगा ये देखना बहुत जरूरी है सही है ना और इसका साथ साथ इसका साथ रिस्क क्या है मैं कोर एक्टिविटी कर रहा हूं इसमें मैं सक्सेस भी हो सकता हूं अनसफल भी हो सकता हूं अगर मैं अनसफल हो गया सक्सेस नहीं हुआ कितना रिस्क है मेरा ऊपर और ये रिस्क को मैं सह पाऊंगा या नहीं सह पाऊंगा कैन आई अब्जॉर्व द रिस्क ये एनालाइज करना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज है जब डीएक्शन से आप काम कर रहे हो ये तीन चीज पूछ लेना डीएक्शन में मैं रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा मेरा बेनिफिट क्या होगा और कितना रिस्क है ये बिजनेस में और थर्ड थिंग ये रिस्क में लेने ले के लिए मेरा अंदर वो क्षमता है या नहीं है क्षमता है अगर आपको पता चल जाता है हां ये रिस्क में ले सकता हूं देन दिस बिजनेस इज फॉर यू अगर आप समझते हो नहीं ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं देन ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है तो लेटस सी जब ये रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनता है सो व्हाट इज द बेनिफिट जब आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो जितना भी बोनस आपका पास है मैं आपको एक प्लान बताऊंगा वो प्लान में इफ यू वर्क एस ए रियल डिस्ट्रीब्यूटर विद इन वन ईयर टाइम आपका बोनस मिनिमम पचास हजार बढ़ेगा कितना बढ़ेगा पचास हजार पांच लाख पचास लाख पांच करोड़ भी बढ़ सकता है उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूं मैं बात करता हूं एक साल में मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड और उसके लिए कोर एक्टिविटी करना है और ये एक्टिविटी का रिस्क क्या है वो भी हम देखेंगे वो रिस्क आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे उसे भी हम एनालाइज करेंगे तो अगर पचास हजार हर महीना मुझे इनकम आ रहा है इसका मतलब क्या है आ, इसका मतलब है अगर पचास हजार अगर हर महीना मुझे इनकम आ रहा है मैं आराम से मुंबई में एक सत्तर लाख का तो 70 लैक्स का फ्लैट खरीद सकता हूं यू अग्री विथ मी मैं ई एम आई पचास हजार देगा तो सत्तर लाख का फ्लैट मुझे मिल जाएगा तो इसका मतलब कहने का मतलब यह है अगर ये एक साल हम ये कोर एक्टिविटी करेंगे तो हम सत्तर लाख फ्लैट का मालिक है कितना का सेवेंटी लैक्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए बिजनेस प्रोपोजिशन ऑफ सेवेंटी लैक्स और इसमें क्या करना है और इसका रिस्क क्या है सो so ये रिस्क आप सह सकते हो देन सत्तर लाख आपका है एक साल में सो व्हाट आर द रिस्क रियल कंस्यूमर आपको क्या बनना है पहले रियल कंस्यूमर रियल कंस्यूमर बनने में क्या नुकसान है इसमें थोड़ा नुकसान भी है मैंने देखा था योगी सर का फोटो में जो अननेसेसरी वेट था वो चला जाता है वो ओबेसिटी चला गया वो परेशानी चला जाता है वो डिसीज चला जाता है रियल कंज्यूमर होने में और दूसरा कोई नुकसान नहीं रियल कंज्यूमर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल से आप जितना भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट खाना शुरू कर लो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है आप जितना प्रोडक्ट लेने की ताकत रखते हो उतना प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो अगर आपका घर में टूथपेस्ट है ब्रांड चेंज करो कॉफी है ब्रांड चेंज करो शक्कर है ब्रांड चेंज करो नमक है ब्रांड चेंज करो वॉश है ब्रांड चेंज करो जितने भी प्रोडक्ट आज एक छोटा सा सुपरमार्केट है डीएक्सन जो योगी जी ने बोला पहले सिर्फ आरजीजीएल नहीं है आज एक छोटा सा सुपरमार्केट है पहले अच्छा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट आप दूसरे ब्रांड से यूज करते हो अभी डीएक्सन ब्रांड को चेंज करो इसमें कोई नुकसान है कोई नुकसान नजर आ रहा है नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं yeah. तो पहला चेकलिस्टिक है मींस इसमें हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है सो रियल कंज्यूमर दर इज नो रिस्क वनली ह्यूज हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है नाउ अस सी रियल डिस्ट्रीब्यूटर ये रियल डिस्ट्रीब्यूटर हम किसे बोलते हैं अगर आपका पीवी आप हर महीना जो पीवी कर रहे हो ये पीवी आपका पहचानियत देता है आप कौन है अगर आपका पीवी 999 तक है और उससे कम है आप एक वीक कंज्यूमर हो यू आर ए पुअर कंज्यूमर अगर आपका पर्सनल पीवी 2000 तक है यू आर ए रियल कंज्यूमर अगर आपका पीवी 3000 तक है यू आर ए सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका पीवी पांच हजार से ज्यादा है यू आर ये रियल डिस्ट्रीब्यूटर सो so, रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहने का मतलब ये है ये जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर का पहचानियत कहां से शुरू होता है पांच हजार पर्सनल पीवी से याद रखना मैं फला हूं मैं स्टार एजेंट हूं मैं स्टार डायमंड हूं, मैं इसका बेटा हूं मैं ये करता हूं वो करता हूं सब कुछ ठीक है पर्सनल पीवी कितना है? ये बताओ दूसरा कोई पेचानियत डीएक्शन में नहीं रखता है सिर्फ यह रखता है आपका टर्नओवर आपका बिजनेस के लिए कितना है बिकॉज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं सही है गलत डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना मैं मेरा बिजनेस के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी बोलता है रियल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कितना है पांच हजार कितना है पांच हजार पांच हजार का मतलब रुपीस में कितना आता है पंद्रह हजार पंद्रह हजार अभी अभी अच्छा अभी पंद्रह हजार पता चल जाए कोर एक्टिविटी क्या है अभी पंद्रह हजार का प्रोडक्ट हर महीना परचेस करना और बेचना अभी इसमें रिस्क क्या है सर मैं पंद्रह हजार दू अगर मेरा पंद्रह हजार डूब गया तो ये रिस्क होता है ना लोग सोचते हैं पंद्रह हजार अच्छा चलो मैं पंद्रह हजार इन्वेस्ट कर रहा हूं अगर पंद्रह हजार का नुकसान हो गया तो नुकसान हो जाएगा तब होगा आप पंद्रह हजार का प्रोडक्ट खरीद कर कुछ भी नहीं करेंगे घर में बैठेंगे तो नुकसान होगा तो आपको क्या करना है जब आप पंद्रह हजार का ये ये जो चैलेंज है जैसा योगी जी ने बोला था आरजीजीएल बीस बीस पर शुरू करो दो महीने का बाद अगर वो काम नहीं कर रहा है आपका लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है पैसा वापस वो गारंटी प्रोडक्ट का है मैं ये गारंटी और देता हूं बिजनेस का पंद्रह हजार इन्वेस्ट करो कितना पंद्रह हजार डीएक्शन में इन्वेस्ट करो ये होना चाहिए आपका सीड स्टॉक क्या होना चाहिए सीड स्टॉक बीच होना चाहिए और ये जो सीड स्टॉक है इसका एक ही कंडीशन है ये प्रोडक्ट को आप मुफ्त में किसी को नहीं देने का सही है ना ये प्रोडक्ट को फ्री में किसी को नहीं देने का और ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है यूज करना है और बेचना अगर ये मुफ्त में दे देंगे मेनी पीपल आज डीएक्शन में तकलीफ में है बिकॉज जो सीड स्टॉक है वो खुद वो स्टॉक को वो खुद खा लिया मैं बोलता हूं ना मेरा मेरा एक दोस्त था वो बोल रहा था बिजनेस करना है बिजनेस करना है तो मेरा मेरा चाचा ने बोला अच्छा तू गांव में जाके बिजनेस करना है एक बकरा ले एक बकरी ले बिजनेस कर ये क्या करना है बकरा बकरी ले ले गांव चले जा इसे पाल ले दूध आएगा बच्चा आएगा तू धीरे धीरे बड़ा हो जा। ये बंदा ने क्या किया बकरा बकरी को लिया वो उसका सीड स्टॉक था वो गया वो जाने का बाद दो महीना का बाद उसका ससुर से लोग आए थे उसने ससुर जी को देखा बकरा को देखा बकरा तो क्या ससुर को देखा फिर वो बिरयानी बना अभी सीट स्टॉक कहां गया ससुर का पेट में ससुरी का पेट में अभी सीट स्टाक कहां रह गया ये डीएक्शन में अक्सर लोग ये गलती करते हैं समझो माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस आसान है आराम का बिजनेस है मैं बोल रहा हूं पंद्रह हजार फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कितना करना है पंद्रह हजार अगर पंद्रह हजार आप करते हो पर्सनल पीवी पांच हजार बन जाते बनेगा या नहीं बनेगा नाउ सेकेंड चैलेंजेस आप कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो घर में मैं ये नहीं बोलता हूं सारी प्रोडक्ट यूज करो कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो स्पाइर एक टैबलेट खा लिया तो पाओ किलो वेजिटेबल खा लिया दो टैबलेट खा लिया तो आधा किलो सब्जी खा लिया इतना पावरफुल प्रोडक्ट है सारी प्रोडक्ट सो अभी कितना प्रोडक्ट हम घर में यूज कर सकते हैं टूथपेस्ट सोब कॉफी और वीसीओ स्पाइरोना चाय छोटे छोटे प्रोडक्ट जो बर्तन धोने का फ्लोर क्लीन करने का कपड़ा धोने का ये सारी चीज हम यूज में कर रहे ये अभी डीएक्शन से यूज करेंगे समझो मिनिमम अगर मैं पकड़ता हूं आपका सेल्फ यूज के लिए तीन हजार खर्चा होगा डीएक्शन से आपने पंद्रह हजार इन्वेस्ट किया मैं बोल रहा हूं मिनिमम तीन हजार यूज करना शुरू करो सही है ना करने का बाद ये सोचो मैं कौन हूं ये क्वेश्चन कर मैं कौन हूं डीएक्शन में आप कौन है आ, वो सोच वो उसमें थोड़ा जस्टिफाई कर लेना भाई मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो एक महीने में पंद्रह हजार प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थोड़ा दुर्बल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो दस हजार कर सकते हो मेरे जैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कितना कर सकते हैं नॉर्मली एक दो चार प्रोडक्ट एक टूथपेस्ट एक कंज्यूमर को टूथपेस्ट दिया एक कॉफी दिया एक चाय दिया ऐसे ऐसे कुछ कंज्यूमर मुझे मिले अगर मुझे चार भी कंज्यूमर मिल जाता है तो चार हजार का प्रोडक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं सो तीन हजार मैंने यूज किया और चार हजार मैंने प्रोडक्ट बेचा और कितना मेरा पास बच गया आठ हजार आठ हजार अभी मेरे लिए रिस्क फैक्टर कम हो गया पंद्रह हजार से अभी कितना आ गया मेरा रिस्क आठ हजार मेरा रिस्क आ गया अभी महीने एंड में आठ हजार का प्रोडक्ट मेरा हाथ में है तो अगले महीने मुझे क्या करना है पंद्रह हजार का प्रोडक्ट बेचना है ऑलरेडी आठ हजार मेरा पास है तो सात हजार का प्रोडक्ट पहले मैं खरीदता हूं फिर पंद्रह हजार प्रोडक्ट बन जाता है सिर्फ मैं वो सेल्फ यूज करता हूं ये बार पहले ही चार कंज्यूमर मेरे पास थे और चार कंज्यूमर ए महीना में मैं जोड़ता हूं तो आठ हजार प्रोडक्ट में बेच सकता हूं तो मेरा पास रह जाएगा चार हजार का प्रोडक्ट सेकेंड मंथ एंड में अभी रिस्क कहां कम हो गया पहले पंद्रह हजार था फिर रिस्क कम हुआ आठ हजार थर्ड मंथ सेकेंड मंथ में सिर्फ चार हजार का रिस्क है और थर्ड मंथ वही काम मैं करता हूं पांच हजार में पर्सनल बीवी करता हूं मेरा पास अनसोल्ड स्टॉक आठ हजार चार हजार था यह प्रोडक्ट बेचकर मेरा पास कितना पैसा था ग्यारह हजार था और यह ग्यारह हजार को खाने का नहीं यह ग्यारह हजार को बीवी को देने का नहीं यह ग्यारह हजार आपका सीट स्टॉक है पंद्रह हजार इधर प्रोडक्ट में होना चाहिए अदरवाइज पैसा में होना चाहिए ये याद रख लेना बच्चा बोलता है एक कोकोजी दो हां ये रख लो <laughs> बच्चा बोलता है सर कोकोजी दो तो आपको क्या बोलना चाहिए कोकोजी चाहिए मम्मी से पैसा लेकर आ ये दिस दिस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इवन बच्चा को भी आप फ्री से कोकोजी नहीं देने का मम्मी पूछे कि पैसा कहां से आएगा तू तेरा मर्द से लेकर आ मैं ही उसे पैसा देता हूं फिर वो बच्चा के जरिए से मेरे बिजनेस में आता है बट ये पंद्रह हजार सीड स्टॉक वैसे ही होना चाहिए ये इधर प्रोडक्ट में होना चाहिए या पैसा में होना चाहिए अगर ये आ जाएगा तो थर्ड मंथ में सिर्फ तीन हजार प्रोडक्ट यूज करता हूं शेयर करते करते बारह हजार का प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूं तो पंद्रह हजार का प्रोडक्ट अभी मेरा पास जीरो रिस्क है इसमें कोई रिस्क है इसमें रिस्क आपको दिखता है जो पहले पंद्रह हजार का रिस्क था एक महीना का बाद वो आठ हजार का हुआ सेकेंड मंथ में चार हजार हुआ और थर्ड मंथ में आपका पास कोई रिस्क नहीं है दुनिया में एक बिजनेस मुझे बता दो ऐसा रिस्क फ्री बिजनेस है मैं चैलेंज करता हूं ऐसा एक बिजनेस बता दो जो सत्तर लाख का इनाम दे सकता है एक साल में और कोई रिस्क नहीं है वो सिर्फ डीएक्शन है इसीलिए दिस बिजनेस इज द रियल बिजनेस और वेन यू मूव फॉरवर्ड रियल नेटवर्कर पहला था कंस्यूमर उसमें रिस्क नहीं था सेकेंड था डिस्ट्रीब्यूटर उसमें भी प्रूव हो गया है कोई रिस्क नहीं है अभी रियल नेटवर्कर कैसा बनना है रियल नेटवर्कर बनने के लिए छ महीने में छ महीने में एटलीस्ट बारह लोगों को स्पॉन्सर करना है कितने लोगों को बारह लोगों को स्पॉन्सर कर एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं दो महीने की बात नहीं कर रहा हूं आप छह महीना ले लो छ महीने में आपका फ्रंट में बारह लोगों को स्पॉन्सर करना है अगर बारह लोगों को स्पॉन्सर करना है सिर्फ बारह लोगों को मत करो एटलीस्ट आप पच्चीस तीस लोगों को करो उसमें से चार पांच टिकट काम नहीं करेगा और दो तीन टिकट कंप्लेन करने वाला है और ये बारह तेरह टिकट काम करेगा सही है ना तो ये छह महीने में आपको एक टारगेट लेना है ये बारह लाइन में खड़ा करूंगा जो मेरे जैसे पंद्रह हजार रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर सकता है और मैं जब भी उसे स्पॉन्सर बात करता हूं भाई तू पंद्रह हजार इन्वेस्ट कर रिस्क का गारंटी मैं हूं अगर तुझे नुकसान हुआ पैसा मैं देता हूं बिकॉज <laughs> मुझे पता है इसमें रिस्क ही नहीं है बिकॉज मैं प्लान वैसा शो करूंगा कंपनी ऊपर भी रिस्क नहीं है और मेरा ऊपर भी रिस्क नहीं है और उसका ऊपर भी रिस्क नहीं है तो 12 लोगों को लेकर ये फ्रंट लाइन होना चाहिए और एक साल में ये जो 12 लोग हैं उनको डुप्लीकेट करवाना है उनका फर्स्ट लाइन का 12 लोग अगर ऐसा हम करते हैं हमारा पास अराउंड हंड्रेड एंड सिक्सटी टू हंड्रेड एंड पीपल मेरा ग्रुप में हो जाता है बट ये हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड एटी पीपल सारी लोग इतना डिसिप्लिन से पंद्रह हजार का पांच हजार पीवी मेंटेन नहीं करेंगे कुछ लोग नहीं भी करेंगे बट ज्यादातर लोग करेंगे अगर एक सौ लोग भी करता है मेरा पीवी एक साल में पांच लाख है मेरा एसवी एक साल में छह लाख है और मेरा मंथली इनकम पचास हजार मिनिमम है ये हो सकता है ये सारी चीज का पीछे खेल एक ही जगह में है कहां है पता है पंद्रह हजार वो पांच हजार हर महीना करना ये बन जाएगा ये फॉर्मूला है ये बारह लोगों के साथ ये फॉर्मूला डुप्लीकेट करना है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है हर महीना पंद्रह हजार में कैसे प्रोडक्ट को बेचो, तीन हजार घर में बेचो धीरे धीरे कंज्यूमर को बढ़ाओ ये तीन महीने के अंदर ऑटोमेटिकली पंद्रह हजार प्रोडक्ट आप बेच सकते हो बेच सकते हैं कॉन्फिडेंस है yes. कॉन्फिडेंस है तो सत्तर लाख घर आपका नाम में है लिख लो गारंटी से बोल सकते हैं वन ऑफ द इजिएस्ट प्लान माय डियर फ्रेंड्स वेर यू कैन बिकम द रियल नेटवर्कर और कंक्लूशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स डोंट डिपेंड ऑन वन इनकम ये कभी भी खतरनाक है कभी भी एक इनकम का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जितना भी अच्छा इनकम आपका हो बट एक इनकम का साथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इसका प्रूफ कौन है योगी सर उनके लिए हाथ ताली देना उनका बिजनेस जो है छोटा मोटा बिजनेस नहीं था स्टेज जिला बहुत बड़ा नाम था जब मैं एयरपोर्ट में जा रहा था आज भी मेरा याद है जब हम एयरपोर्ट में बैगेज में टैग बन रहे थे उसमें स्टे जिला का एडवर्टाइजमेंट था हजारों लोग वो कंपनी में काम कर रहे थे करोड़ों का टर्नओवर था बट एक इनकम था एक दिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम उनको लगा यह बिजनेस खड़ा करने में एटलीस्ट पंद्रह साल बट जो जितना मुझे पता है पंद्रह दिन में सब कुछ गायब ताली मत मारो, ये अफसोस की बात है पंद्रह दिन में इतना बड़ा बिजनेस वहां था यहां आ गया पंद्रह दिन में अगर उनका पास एक ही इनकम रहता था आज हमारा सामने ये दो कपल नहीं रहते थे उनका पास और एक इनकम था थैंक्स टू प्रोफेसर एंड डॉक्टर रत्ना एक पैसिव इनकम डीएक्शन उनका साथ था इसीलिए आज लोग आज भी सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इनकम माय डियर फ्रेंड्स आपका पास जितना भी बड़ा इनकम हो वो आप एंजॉय करो उसका साथ साथ और एक इनकम को तैयार करो बिकॉज टायर कब पंचर होगा आपको भी पता नहीं, भी पता पता नहीं, नहीं। मुझे पंचर होने का बाद टायर को दुन्ना बेकूफी है जब चारों टायर अच्छा चलता है तब भी आपको स्टपनी रखना है जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है आपका कमाई अच्छा है तब आपको सेकेंडरी इनकम के बारे में सोचना जरूरी है डीएक्शन शुरू करना फर्ज बनता है यहां से आप शुरू करो हैव ये प्लान बी एक प्लान बी रखो और इफ प्लान ए फेल आपका मेन इनकम फेल हो जाता है यह कभी भी फेल होता है आप बुढ़ापे हो जाते हो यह फेल हो जाता है आप बीमार पड़ जाते हो यह प्लान ए फेल हो जाता है सही है ना आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाता है प्लान ये फेल हो जाता है तब आपका सहारा देने के लिए एक इनकम होना चाहिए प्लान बी इनकम और ये जो डीएक्शन का जो इनकम मैं बता रहा हूं आसान इनकम है रिस्क फ्री इनकम है ऐसा एक ईजीएस्ट बिजनेस दुनिया में आज तक आविष्कार मेरे सामने नहीं हुआ है हम लोग इतना लकी है वो बिजनेस आराम से हमारा हाथ में है शायद हमको पता नहीं चल रहा है अभी भी जैसा योगी सर को जो जो गोल्ड स्वर्ण का डब्बा में बैठ रहे थे और इधर उधर उधार ले रहे थे उनको वो टाइम पता नहीं था पंद्रह साल उनको पता नहीं था वो किसका ऊपर है उनका पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऐसे ही आपका पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स सो अदर देन दिस डीएक्शन का काफी सारी बेनिफिट है इनकम एक लीडर ने मुझे बोला सर डीएक्शन में आपको मोटिवेट क्या करता है पैसा करता है उसने बोला सर डीएक्शन में इनकम नो you know, शुगर कैन शुगर कैन जूस करते हैं ना ये मशीन में डालने के आ गन्ने का रस गन्ने का रस को जो मशीन है ना गन्ने का रस में जो मशीन डालने के बाद जो गन्ना एक साइड में डालता है बाहर क्या आता है वो जो चक्का आता है वो बोलता है मेरे लिए इनकम ओ है बट असली जो जूस है ना जो डीएक्शन ने मुझे दिया वो है एजुकेशन जो असली जो डीएक्शन ने मुझे दिया है वो है हेल्थ जो सेहत और मेरे परिवार को डीएक्शन ने दिया है बट इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते सिर्फ इनकम इनकम के बारे में बात करते हैं और ये सारी डीएक्शन का ये साइड इफेक्ट है इनकम का साथ साथ आपको फ्री में मिलता है एंड नेटवर्क इनकम कैन बी इनहेरिटेड वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी का साथ जुड़ा रहना और अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल लोगों को हेल्प करने का एक opportunity आपको मिलता है और लीडरशिप क्वालिटी एक साधारण इंसान असाधारण बनने का ताकत डी एक्सर हमें देखता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल आज अजय सिंह ने बोल रहे डॉक्टर अजय सिंह ने बोला था डी एक्सर ने उनको कहां से कहां बना दिया इनकम तो आ रहा है बट ये जो एक पावर डीएक्शन दे रहा है ये ज्यादा लोग इसका वैल्यू नहीं ले रहे हैं और काउंसलिंग सिल और एंड ऑफ द डे यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड ये जो है डीएक्शन का ताकत है माय डियर फ्रेंड्स सो रियल सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए रियल कंपनी और रियल लीडर कंपनी रियल है हम रियल है रियल के लिए क्या होना चाहिए रियल कंस्यूमर रियल डिस्ट्रीब्यूटर और रियल नेटवर्कर ये तीन हो जाता है वी बिकम रियल लीडर और रियल रियल कंपनी साथ ये ये जो जो मिलन होगा शादी होता है डिस्ट्रीब्यूटर और रियल कंपनी का साथ दिस विल बी वन ऑफ द सक्सेसफुल जर्नी इन वर्ल्ड माई डियर फ्रेंड्स सो गिव बिग राउंड ऑफ यउंडलाज फॉर एवरीबडी फॉर चूसिंग डि एक्शन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल टाइम गो बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए थैंक यू सर थैंक यू सर तालियां होनी चाहिए गुड मॉर्निंग तालियां हो रही है कि नहीं तालियां कमजोर पड़ रही है सर तालियां कमजोर पड़ रही है द ग्रेट एजुकेशन द ग्रेट ट्रेनिंग बाय आर आई एम डी International Marketing Director Mr. K.M. Rafiq sir.